बीते 9 अगस्त को जंतर मंतर नई दिल्ली में भारतीय संविधान की प्रतियां जलाए जाने के विरोध में शुक्रवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अंबेडकर वादी जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अंबेडकर वादी जागरण मंच के कार्यकर्ता आक्रोशित दिखे। इस अवसर पर कार्यकारिणी अध्यक्ष विक्रम प्रसाद, शर्मिला सिंह, बहादुर निषाद, श्याम देव, गौरव शेखर, एसपी सत्यम सहित भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अंबेडकर वादी जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा, संविधान विरोधी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, संविधान विरोधी, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जय भीम, जय भीम, जय 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 चंद्रशेखर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर वादी जागरण मंच के, देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 अगस्त को भारतीय संविधान की प्रतियां सरेआम जलाई गई। हम आज अंबेडकर वादी जागरण मंच के तत्वाधान में गोरखपुर में एक विशाल रैली कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को कि अगर भारतीय संविधान को जलाने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अंबेडकरवादी जागरण मंच देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगा।